यही वजह रही कि चुनाव की तैयारियां शुरू होते ही कांग्रेस ने कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश की 32 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे तौर पर कमलनाथ का प्रभाव है। हालांकि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें 17 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। कमलनाथ का प्रभाव के प्रभाव वाली जिन 32 सीटों पर हमारी नजर है, वो सभी सीटें महाकौशल रीजन में आती हैं और उन 32 सीटों में भी 29 सीटें ग्रामीण इलाकों की हैं, यानी ऐसी सीटें जिन पर ग्रामीण और किसानों का प्रभाव है और किसानों से जुड़े मुद्दों का असर इस बार के नतीजों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। नतीजे आएंगे तो हम न्यूज 18 इंडिया पर अलग से बताएंगे कि कमलनाथ के प्रभाव वाली इन 32 सीटों पर कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा, क्योंकि इन सीटों पर अगर कांग्रेस का दबदबा रहा तो सीएम उम्मीदवार की रेस में कमलनाथ का नाम मजबूत होगा। छत्तीसगढ़ के नतीजों में हमारी खास नजर उन सीटों पर भी होगी जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2008 और 2013 में भी इन सीटों पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की, लेकिन इस बार उसके आगे चुनौती सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, अजीत जोगी और मायावती का गठबंधन भी, जिसकी वजह से इस बार पार्टी को इन सीटों पर दूनी ताकत लगानी पड़ी। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इन इलाकों में धुआंधार रैलियां की। खुद पीएम मोदी, अध्यक्ष अमित शाह और सीएम रमन सिंह ने इन सीटों पर चुनाव प्रचार किया, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा मायावती और अजीत जोगी ने भी बीजेपी को इन गढ़ वाली सीटों में चुनौती देने में कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए बीजेपी के सामने अपने गढ़ में दोहरी चुनौती है। हालांकि यहां पहले से ही उसका दबदबा है। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुल 23 सीटें ऐसी हैं जिनको बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जिनमें राजनांदगांव भी शामिल है। यहां मुख्यमंत्री रमन सिंह का मुकाबला कांग्रेस की करुणा शुक्ला से। करुणा शुक्ला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी। इन इलाकों में आदिवासी वोट निर्णायक है। इसके अलावा कुल 10 सीटों पर माया जोगी का गठबंधन आदिवासी वोटों पर प्रभाव डाल सकता है। वहीं दक्षिणी और मध्य छत्तीसगढ़ की 8 सीटें नक्सल प्रभावित हैं। इन सीटों पर हमारी नजर इसलिए भी होगी क्योंकि यहां माया जोगी गठबंधन का बीजेपी के प्रदर्शन पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये देखना होगा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पांचों रीजन पर न्यूज 18 इंडिया की खास नजर बनी रहेगी, क्योंकि राज्य के इन सभी पांचों रीजन में बीजेपी ने 2013 में बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के सामने 34 सीटों वाले चंबल रीजन, 49 सीटों वाले महाकौशल रीजन, 63 सीटों वाले भोपाल मालवा रीजन, 28 सीटों वाले निमाड़ रीजन और 56 सीटों वाले विंध्य प्रदेश रीजन को बचाने की चुनौती होगी। 2013 में बीजेपी को इन पांचों रीजन में बड़ी जीत मिली थी। 34 सीटों वाले चंबल रीजन में बीजेपी ने 2013 में 20 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस केवल 12 सीटें ही जीत सकी। वहीं बीएसपी के खाते में 2 सीटें गई। महाकौशल रीजन में भी बीजेपी का ही दबदबा रहा था, तब उसने इस रीजन की 49 में 34 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस को 14 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता था। सीटों की संख्या के लिहाज से सबसे बड़ा रीजन भोपाल मालवा है, जहां 63 सीटें हैं। 2013 में बीजेपी ने इनमें 55 सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं कांग्रेस सिर्फ 7 सीटों पर ही सिमट कर रह गई, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती। इसी तरह 2013 में निमाड़ रीजन की 28 सीटों पर बीजेपी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज हासिल की थी, जबकि कांग्रेस 7 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी और एक सीट निर्दलीय को मिली थी। हालांकि 2013 में विंध्य प्रदेश रीजन में बीजेपी ने 56 में 36 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि कांग्रेस 18 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। वहीं इस रीजन से बीएसपी को भी 2 सीटों पर जीत मिली थी। एमपी के अलग अलग रीजन के नतीजे जैसे जैसे खुलेंगे, हम अलग से बताएंगे कि किस इलाके में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नतीजों में उन सीटों के बारे में हम अलग से बताएंगे जो नक्सलवाद से प्रभावित है, क्योंकि इस बार के चुनाव में नक्सलवाद का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजा। दोबारा सरकार बनाने के लिए बीजेपी के सामने इन सीटों पर कांग्रेस को पछाड़ने की चुनौती है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने नक्सल प्रभावित सीटों पर बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था। 15 साल से राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन नक्सल समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लोकतंत्र को चुनौती देने के लिए नक्सलियों ने इस चुनाव में भी खलल डालने की कोशिश की। चुनाव से पहले दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया, जिसमें एक सीआईएसएफ जवान समेत 5 लोग शहीद हुए। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच संघर्ष लगातार चलता रहा। 2013 में हुए चुनावों से कुछ महीने पहले नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ की जीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला किया था। हमले में महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ल समेत कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी।